आज हम खड़े हैं प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में, और लासलगांव मंडी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। आइए जानते हैं इसके बारे में। आपका नाम सर? किशोर वर्जे पाटिल। सर, ये आज लासलगांव नासिक प्याज मंडी क्यों बंद है? आज से हमारे माथाड़ी कामगारों का है ना स्ट्राइक चालू है, उनको है ना पगार बढ़ा के चाहिए, उसकी वजह से पूरा मार्केट आज बंद है। खाली लासलगांव नहीं, पिंपल गांव, अपना दिंडोरी मार्केट, जितने भी विंसूर मार्केट, सब आज मतलब बंद है आज से। जब तक ये उनकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती तब तक ये माथाड़ी कामगार काम को नहीं आने वाले, उसकी वजह से प्याज पे भी फर्क पड़ने वाला है, प्याज के दाम भी बढ़ने वाले हैं। आखिर ये कामगारों ने हड़ताल क्यों की? अभी उनका जो उनका मतलब दिन का जो पैसा उनको मिलता है, उनकी मांग है कि वो उनको बढ़ के चाहिए, ऐसा मतलब उनका पगार बढ़ना चाहिए ऐसा उनका ही। हड़ताल कब तक खत्म हो सकती है? अभी वो तो अनिश्चित है, वो अभी उनके ऊपर है, अभी वो जब उनकी मांग पूरी होंगी तो पड़ेगा। अभी सब मतलब प्याज की अभी कटिंग चालू है, सब माल तैयार है, सब अभी दो चार दिन के बाद बारिश भी बोला है, तो उसकी वजह से सब किसान भी परेशान। क्या देश के अन्य प्याज मंडियों में भी इसका असर पड़ेगा? 100% उसमें पड़ने वाला है। और देश में जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, क्या चुनाव में इसका प्याज का असर देखा जाएगा? 100% असर दिखने वाला है, और सब लोग केंद्र सरकार के ऊपर ना